तो आप ये दृश्य देख रहे हैं जवाबदेही यात्रा के दौरान जिला कलेक्ट्री से सीधा दृश्य देख रहे हैं। जिला कलेक्ट्री पाली से दृश्य है जहां पर जवाबदेही यात्रा पहुंची है। आज जवाबदेही यात्रा पाली में प्रवेश की है, इस दौरान किस किस मुद्दों पर चर्चाएं की गई है? मुझे लगा काफ़ी मुद्दों पर चर्चाएं की गई है। जवाबदेही यात्रा के जो जवाबदेही कानून बनाने का मामला है वो तो है ही है, लेकिन आज यहाँ पर अम्बेडकराइट और बुद्धिस्ट संगठनों के पदाधिकारी भी आए और हम सब लोगों ने मिलकर के संविधान पर बात की, बाबा साहब के मिशन पर बात की और राजस्थान में अनुसूचित जाति जनजाति विकास विशेष निधि आवंटन क्रियान्वयन और उपयोजना अधिनियम बनाने की जो घोषणा मुख्यमंत्री ने की थी उनके वादे को याद दिलाने के लिए आज यहाँ से सारे संगठनों की तरफ से एक ज्ञापन भी सौंपा गया कलेक्टर के मार्फत और मुख्यमंत्री से मांग की गई कि SC ST के जो लोग हैं उनको आबादी के अनुपात में बजट के आवंटन का जो कानूनी अधिकार मिलना चाहिए वो राजस्थान में होना चाहिए। ये काम किया गया और हमारे जो साथी हैं एडवोकेट गोपाल जी वो इस बारे में और बताएंगे जो संविधान उन्होंने किया। जवाबदेही यात्रा में संविधान में मिले भारत के संविधान में मिले जनसंख्या के अनुपात में उनको एजुकेशनल फंड मिले और उनको सारा जनसंख्या के अनुपात में उनको संसाधन मिले, इसी संदर्भ में जवाबदेही यात्रा पाली पधारी और तो जवाबदेही के एक ऐसा कानून की मांग कर रहे हैं। एक दो जवाबदेही कानून एक इस तरह का कानून है जिसमें अधिकारियों को जवाब देना पड़ेगा, क्या आपको लगता है कि ये जो महकमा है पूरा मुख्यमंत्री इस पर विजय पाएंगे, क्या लगता है आपको? यह जो संघर्ष इस समय चल रहा है और निश्चित रूप से आप सब लोग इस संघर्ष में सफल होंगे, अगर यह प्रस्ताव कानून में बदल जाता है तो फिर निश्चित रूप से आम जनता को लाभ मिलेगा और जो अधिकारियों के जो लोग चक्कर काटते हैं सुबह से शाम तक चप्पलें घिस जाती हैं जूतियाँ घिस जाती हैं और उसका काम नहीं हो पाता, अगर यह जवाबदेही अधिनियम बन जाता है नियम ऐसा बन जाता है लो बन जाता है तो निश्चित रूप से जो आम जो जनता है उसके हित में रहेगा। थैंक यू। लोगों को मारा जाता है, ITI जब कानून आया था तब लोगों को मारा गया, हत्याएं की गई, लेकिन ITI में सूचना मांगने वालों के जान को काफ़ी खतरा रहता है, क्या जवाबदेही कानून इसकी सुरक्षा करेगा, क्या लग रहा है आपको? जवाबदेही कानून जनता को और जनता को राहत मिले और सरकार अपने कार्यों और कानून के प्रति जवाबदेह रहे तो निश्चित रूप से उनका राहत मिले। बिल्कुल, आप भी कुछ बताएंगे थोड़ा सा? तो देखें आज सभी बौद्धिश और सभी सामाजिक संगठन ने मिलकर आज ये धरना दिया। एक बात बताइए, आखिर हम किस भारत की रचना करने चाहते हैं? संविधान से चले, सारे लोगों को अपने अधिकार मौलिक अधिकारों का आनंद के सुरक्षित रहे और सबको रोजगार मिले, ऐसे बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देखें ये पाली से सीधा दृश्य था जिला कलेक्ट्री के सामने जहां पर आज कलेक्ट्री का धरना स्थल हुआ और देखें आप देर समय तक जन सुनवाई कार्यक्रम चल रहा है अंदर और अभी भी जन सुनवाई जारी है। हमारे जो साथी हैं वो भी अभी कलेक्टर साहब से लगातार वार्ता कर रहे हैं, जो शिकायतें आई हैं उन शिकायतों का निस्तारण के लिए सभी साथी अंदर गए हैं और बड़ी संख्या में साथी अंदर गए हैं और जवाबदेही कानून की मांग कर रहे हैं कि अधिकारी जो है अपने जवाब दें। तो साथियों लेते हैं आपसे अलविदा, आप क्या सोचते हैं इस भारत को एक राज्य को सशक्त बनाने के लिए क्या जवाबदेही कानून बहुत ज़रूरी है? आप भी अपने कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।